तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्रिज्म एंड एक कॉन्केव मिरर, ठीक है। और ये प्रॉब्लम मैंने थिन प्रिज्म के जो सेकंड वीडियो था उसमें डाला था, पर उसमें वॉइस जो थी वो क्लियर नहीं थी, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन सेपरेटली बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है, एक थिन प्रिज्म है और इस थिन प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है इट इज़ 2 डिग्री, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 3/2 और इस थिन प्रिज्म के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बच्चों रखा हुआ है, ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये ओरिजिन है 0, 0। एंगल ऑफ प्रिज्म 2 डिग्री है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिज्म इज 30 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ प्रिज्म फ्रॉम द कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो 30 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस थिन प्रिज्म एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मतलब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रेज जो इस ऑब्जेक्ट से चलेंगी और इस थिन प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होंगी, तो थिन प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने के बाद और इस कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जहाँ पे लाइट रेज फोकस होंगी तो उस पॉइंट इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी वीडियो में डिस्कस किया है कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, एक थिन प्रिज्म इमेज बनाता है, इस इमेज को मैं I1 कह देता हूँ, जो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ही जस्ट ऊपर बनता है डी डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ डी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो डी डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, क्या होती थी डी डिस्टेंस, ये होती थी ए इंटू डेल। ये डिस्टेंस अगर मैं इसे ए मान लूँ, ये डिस्टेंस ए, तो सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि थिन प्रिज्म क्या क्या होगा। इट इज़ म्यू -1 इंटू ए और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये आएगा बच्चों 3/2 -1 इंटू 2 डिग्री, तो ये आ जाएगा बेटा 1 डिग्री। 1 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट कर लें इट इज़ π/180 रेडियन। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ कि जो इमेज बनेगा, मतलब जो लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होंगी, अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट रे बनाऊँ तो जो लाइट रे ऐसे यहाँ पे जाएंगी, प्रिज्म से पास होंगी, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे जाएंगी, कुछ इस तरह से जाएंगी, और इनको अगर मैं इस तरह से जाएंगी और इनको अगर मैं पीछे ऐसे मिलाऊंगा तो एक वर्चुअल इमेज बनती हुई नज़र आएगी, है ना। तो ये जो है इट इज़, दिस इज़ ऑब्जेक्ट फॉर थिन प्रिज्म और ये बच्चों जो बन रही है ये थिन प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होने के बाद जो लाइट रे हैं इस पॉइंट पे वर्चुअली इमेज बना रही। तो दिस इज़ द इमेज फॉर्म्ड बाय थिन प्रिज्म। अब अगर आप देखें तो जो रिफ्रैक्टेड रे होंगी वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। इसका ये मतलब है इस मिरर को ऐसा लगेगा ये लाइट रे कहाँ से आ रही हैं, I1 से आ रही हैं, यानी कि इमेज जो होगा थिन प्रिज्म का दैट विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस कॉन्केव मिरर। तो अगर इसकी मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ, चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो इससे कुछ हाइट होगी जो कि डी के बराबर होगी, ये डिस्टेंस जो हमने मानी है। तो डी जो है इट इज़ 30 सेंटीमीटर इंटू π/180, ये डेविएशन है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ रही है इट इज़ π/6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये बच्चों π/6 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। तो अब इसे मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ मिरर के लिए, है ना। तो अगर आप देखें तो मिरर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, तो यू की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं मिरर के लिए कहूँ फॉर मिरर जो यू की वैल्यू हो जाएगी इट इज़ -60 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ तो हम जानते हैं कॉन्केव मिरर का निगेटिव होता है एज़ पर साइन कन्वेंशन। तो अगर मैं मिरर का फॉर्मूला यूज़ करूँ 1/V + 1/U = 1/F, तो यहाँ से इक्वेशन आएगी 1/V हमें कैलकुलेट करना है, यू की वैल्यू हो जाएगी -60 और फोकल लेंथ है -20। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -30 सेंटीमीटर। चूँकि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ हाइट पे है, तो HO जो है यहाँ पे इट इज़ π/6,
सेंटीमीटर। तो मैं इमेज की हाइट निकालने के लिए, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ एच आई अपॉन एच ओ, और ये होता है माइनस वी बाई यू। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी वीडियोज़ में। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है वो क्या आएगा, तो इट इज़ माइनस माइनस 30 डिवाइड बाई माइनस 60, इट इज़ माइनस 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो एच आई आ जाएगा, दिस इज़ माइनस 1/2 इंटू एच ओ, ये एच ओ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच ओ है पाई बाई 6, तो दिस इज़ माइनस पाई बाई 12। तो मैं कह सकता हूँ कि इससे जो रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट रेज जो फोकस हो रही होंगी, कुछ यहाँ से 30 सेंटीमीटर है ना, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ से v इक्वल टू माइनस 30 आया है, तो यहाँ से 30 इधर, तो कुछ यहीं पे फोकस हो रही होंगी प्रिज्म के पास। उसके बाद रिफ्रैक्शन और होगा, बट हमने उसके आगे की बात नहीं की, हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रही है। तो और माइनस पाई बाई 12 वाई कोऑर्डिनेट है, तो कुछ यहाँ आ रहा होगा, इस तरह से लाइट रेज ऐसे फोकस हो रही होंगी रिफ्रैक्शन के बाद। ये हमें I2 बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन यहाँ पर है और ये माइनस 30 आया, तो यहाँ से भी डिस्टेंस 30 हो जाएगी, और ये जो वर्टिकल हाइट है, ऑप्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस है, ये माइनस पाई बाई 12 आएगी। तो इमेज के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इमेज के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 30 प्लस 30 कॉमा माइनस पाई बाई 12, ये आपके इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह के हम कुछ प्रॉब्लम और डिस्कस आप कर सकते हैं बुक्स में। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि थिन प्रिज्म और मिरर का कॉम्बिनेशन बन सकता है, थिन प्रिज्म और लेंस के कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ही हम लेंस के थ्योरी लेक्चर्स कवर करेंगे तो उस तरह से प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। ओके।